हे गाइस, कैसे हो आप। आज हम बनाने वाले हैं रस्सा वड़ा। रस्सा वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले पोटैटोज को कुकर में उबालने के लिए डाल देंगे। यहाँ पर रस्सा बनाने के लिए मैंने लिया है स्प्राउटेड मटकी, कश्मीरी लाल मिर्च, हींग, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, दो टोमेटोज, अदरक लहसुन की पेस्ट। अब कढ़ाई में ऑयल गरम करके अदरक लहसुन की पेस्ट को फ्राई कर लेंगे। देन उसमें ऐड करने हैं टोमेटोज। इसमें नमक डाल के टोमेटोज को थोड़ा पकने देंगे। बाद में डाल देंगे सभी मसाले। इन सब को अच्छे से मिक्स करके मटकी ऐड करेंगे। अब इसमें मैंने डाला है ग्रेवी मसाला और मिसल मसाला। फिर मटकी को इन मसालों में 5 से 10 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। बाद में पानी ऐड करके 20 मिनट तक इसे पकने देंगे। अब मटकी यानी कि हमारा रस्सा बन गया है। इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया। पोटैटोज भी उबल गए हैं, अब इन्हें बारीक कट कर लेंगे। आप चाहे तो स्मैश भी कर सकते हो। साथ में ली है तीखी हरी मिर्च की पेस्ट और लहसुन की पेस्ट। अब ऑयल गरम करके लहसुन को फ्राई कर लेंगे, बाद में मिर्ची को भी फ्राई कर लेंगे।
देन डाली है हल्दी, नमक और हींग। अब इसमें पोटैटोस को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चटनी भी रेडी है। अब चटनी के वड़े बना लेंगे। यहाँ बेसन में मैंने सिर्फ सॉल्ट और हल्दी डाली है। गर्मा गर्म वड़े भी बन गए हैं। और हमारा रस्सा वड़ा बनके रेडी है। महाराष्ट्र का ये स्पाइसी रस्सा वड़ा फूड स्ट्रीट्स पे आपको ज्यादातर मिलेगा। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। If you are new here, then don't forget to subscribe to my channel. Till then, eat healthy and stay happy. Bye-bye.